और मेरे भाई ओके हलचल कैसे हो सर। तो भाई आज वाले गेम प्ले के अंदर ना फुल मजा आने वाला है, क्योंकि देखो इस गेम के अंदर शुरू में एक हैकर बैन हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा किल करके रखा था, और देखो अभी भी बहुत ज़्यादा किल कर सकता था लेकिन वो बंदा बैन हो जाता है। और ये बंदा जैसे ही बैन होता है मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड खोल लेता हूँ, क्योंकि आगे वाला मैच में तुम्हारे भाई बहुत ही धमाल करने वाला है, ये सोच के मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ। फिलहाल मैं शुरू में स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन नहीं करता, क्योंकि भाई वहाँ पे हैकर देख के मैंने समझ गया था कि भाई इस मैच में फुल सर्वाइव करना है, क्योंकि हैकर जो है बहुत ही तबाही मचा रहा था। लेकिन वो बंदा जो है लाइव बैन हो चुका है, इस वजह से मैं जो है अभी से स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, शुरू से नहीं किया, इसलिए सॉरी भाई, नहीं तो हैकर लाइव बैन दिख जाता आप लोगों को। फिलहाल भाई इधर एंटी चीट शायद ऑन हो चुका है, इस वजह से भाई हैकर जो है बैन हो रहा है, और बहुत ही अच्छा खासा हैकर बैन हो रहा है, और कभी कभी भाई लॉबी ऐसा आ रहा है जिसमें हैकर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। फिलहाल भाई इधर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई सुबह से लॉबी में कितने हैकर आया, मतलब आप लोग जितने भी गेम खेले उनमें से कितने लॉबी में हैकर आया आप लोग जरूर कमेंट करके बता देना। और अगर चैनल में न्यू आए तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। फिलहाल भाई मैं जो है इधर आ जाता हूँ, भाई नोवो के ब्रिज के इधर आ जाता हूँ, और इधर जो है जोन के मिडिल बना था, इस वजह से मैं डायरेक्ट आके इधर होल्ड करना चालू कर देता हूँ। लेकिन भाई कुछ देर बाद एक बंदा आता है बाइक लेके, और वो बंदा सीधा मेरे ऊपर चढ़ जाता है, और भाई इस बंदे के साथ हो जाता है मेरा फाइट। तो भाई देखो इस बंदे के साथ क्या सीन होता है मेरा। तो भाई ये बंदा जो है फर्स्ट एड पिन कर चुका था, इस वजह से बंदे ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका था इधर। तो भाई इस बंदे को तो बहुत आराम से मैं इधर मार देता हूँ, और इस बंदे को इधर मारने के बाद भाई मेरे ऊपर जोन नहीं बनता, तो मुझे फिर से भाई अपना बगी उठा के सामने की तरफ जाना पड़ता है। फिलहाल भाई जोन ज़्यादा दूर नहीं बनता, सामने ही बनता है, इस वजह से मैं जो है अपना बगी उठा के सीधा उधर ठोक देता हूँ जाके। फिलहाल भाई मैं जो है इस कंपाउंड में आराम से आ जाता हूँ, और इधर आके भाई इस कंपाउंड को होल्ड करना चालू कर देता हूँ। लेकिन भाई कुछ देर बाद भाई सामने से एक बंदा फायर करता है रेंडमली, तो मुझे थोड़ा लगा था कि मुझे थोड़ा शक हुआ था कि वो बंदा भी हैकर हो सकता है, लेकिन भाई उतने में वो बंदा भाई मेरे ऊपर फायर करना बंद कर देता है जैसे मैं इधर आता हूँ। तो वो बंदा तो मेरे ऊपर फायर नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं जो इधर आराम से होल्ड करना चालू कर देता हूँ। फिलहाल भाई मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का रैंक कितना चल रहा है और कौन से टीआर पे हो, क्योंकि मैं देखो क्राउन 3 में पहुँच चुका हूँ आज, और मेरा रैंक चल रहा है कुछ 200 के आसपास, मतलब 280 के आसपास इतना कुछ चल रहा है मेरा रैंक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाई देखो इधर मैं कुछ देर होल्ड करना चालू कर देता हूँ। देखो भाई अभी मैं पिक पिक करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता भाई, कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई कौन हैकर है कौन हैकर नहीं है, इस वजह से मैं जो है जो बंदा एकदम मेरे रेडर में आता है उसी बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आपको कवर में ही रखता हूँ, और आप लोग भी यही करना। फिलहाल भाई मेरे ऊपर से जोन कट जाता है, और जोन जो है बहुत छोटा हो चुका था, और साथ में बहुत दूर भी गिर चुका है। अभी जो है मुझे बगी उठा के जाना पड़ेगा एकदम बंदे के सामने से, और भाई कोई बंदा अगर स्पॉट कर लिया तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मैं जो है सक्सेसफुली जोन में पहुँच जाता हूँ, और एक अच्छा खासा भाई कवर भी मिल जाता है, मतलब एक कंपाउंड मिल जाता है। तो भाई देखते जाओ इधर से। फिलहाल भाई मैं इधर एक मैप में एक जगह पे मार्क कर देता हूँ जिधर एक कंपाउंड था, लेकिन भाई इधर भाई मिल्टा के नीचे, मतलब एम के नीचे एक घर था जो कि भाई मेम के नीचे रहता है, इस वजह से मैप पे भाई शो नहीं हो रहा था। तो मैं जब बागी लेके जाता हूँ तो उस जगह पे एक कंपाउंड दिखता है, और वो जोन के अंदर भी रहता है, तो मैं जाके उधर ही रुक जाता हूँ, और उधर कोई बंदा भी नहीं होता, तो आराम से मैं जोन होल्ड करना चालू कर देता हूँ, और सामने बहुत ज़्यादा बंदा फाइट कर रहा था तो उधर से मुझे किल मिलने का भी चांस था। तो भाई देखते जाओ आगे क्या सीन होता है। फिलहाल तो भाई इधर से मैं जाता हूँ एकदम बंदे के सामने से।
तो भाई मैं आके इस कंपाउंड में रुक जाता हूँ, और ये जो ये कंपाउंड जोन के अंदर था, मुझे एक्सपेक्ट था भाई इस कंपाउंड के अंदर भाई बंदा होगा ही, क्योंकि भाई देखो अभी जोन जो है बहुत छोटा हो चुका है, और भाई इसी जोन के अंदर भी अगर ये कंपाउंड खाली है तो भाई वो पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई इधर लक का इस वजह से मुझे ये कंपाउंड मिल जाता है, और मैं इधर आके भाई होल्ड करना चालू कर देता हूँ, लेकिन भाई लक उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि कुछ देर बाद वापस से जोन कट जाएगा और वापस से मुझे जोन के अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई इधर जो है जोन वापस से गिरना चालू हो जाता है, ऊपर की वॉच टावर से गन साउंड आता है, और उधर एक बंदा रहता है, लेकिन भाई वो अंदर रहता है और उस बंदे के पास भी जोन नहीं रहता। तो भाई फिलहाल इधर जोन बन जाता है और बंदे जो है साथ ही लाइव रहता है। फिलहाल भाई अभी जोन कट जाता है, और भाई देखते जाओ बस अभी जोन रोटेशन कैसा लेता है। और जोन के अंदर जैसे ही जाता हूँ मेरे ऊपर दो बंदे चढ़ जाता है। तो भाई इधर जोन एंट्री करने में थोड़ा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि भाई जो वॉस्टार वाला बंदा होता है वो जोन के अंदर है, और भाई वो बंदा मुझे फुल देख रहा था, और मैं जैसे ही भाई गाड़ी या पैदल कुछ भी किसी भी तरीके से जाने का ट्राई करूंगा तो वो बंदा मेरे ऊपर फायर करना चालू कर देगा, ये तो कन्फर्म पता है। इस वजह से मैं जो है थोड़ा लेट निकालने का ट्राई कर रहा था। जैसे ही भाई और बंदे जोन के एंट्री लेगा उस टाइम पे मैं लूंगा, तो वो बंदा भाई उस तरफ ध्यान देगा तो मैं आराम से जोन की एंट्री ले लूंगा। तो भाई इधर एक बंदा स्पॉट होता है, और वो बंदा भाई पैदल आता है, और भाई वो बंदा काफ़ी दिक्कत दे सकता था। फिलहाल मैं ये आगे देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। फिलहाल भाई इधर से निकलने का टाइम आ चुका था, 10 सेकंड बाकी है, तो मुझे थोड़ा सा ही आगे जाना पड़ेगा। लेकिन भाई ये ऊपर वाले बंदे से मैं डर रहा था कि भाई जैसे ही मैं निकलूँ ये बंदा फायर करना चालू कर देगा, इस वजह से मैं जो है अभी नहीं निकल रहा था। फिलहाल मैं जो है जोन के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, इस वजह से मैं जो है इस बंदे को थोड़ा स्पॉट करता हूँ और निकल जाता हूँ अपना बगी उठा के। अब देखो भाई इधर से जैसे ही मैं अपना बगी उठा के सामने वाले पत्थर में ठोकता हूँ, उतने में ही एक डार्सिया चढ़ता है, उस डार्सिया वाले को मारते ही भाई एक और बंदा भाई जोन के बाहर से आता है। तो भाई देखते जाओ इधर के सीन। तो भाई ये जो पीछे वाला बंदा था ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, और मैं जो एकदम से फायर करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई पीछे से डेथ सर्कल आ रहा था, और पीछे की सर्कल से अभी कोई बंदा आएगा ये कभी भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। फिलहाल भाई इधर इस बंदे को मैं मार देता हूँ। अब देखो दो बंदे लाए हुए मुझे लगे, तीन बंदे लाए हुए, एक जो है वॉच टावर में और एक लेफ्ट साइड में है। तो भाई मैं इधर देख रहा था कि जैसे ही वो बंदा इसके साथ फाइट लेगा वैसे ही मैं जो इस बंदे को मारने का ट्राई करूंगा। तो भाई देखते जाओ इस बंदे को कैसे मारता हूँ मैं। अब देखो भाई ये बंदा भी जोन के अंदर नहीं है, मैं भी जोन के अंदर नहीं हूँ, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा सामने वाला बंदा थोड़ा गलती कर देता है, इधर भाई बंदा डार्सिया उठा के आता है और डार्सिया चराने का ट्राई करता है मेरे ऊपर, और देखते जाओ भाई सीन क्या होता है इधर। तो भाई इस बंदे की टक्कर में पड़ जाता है गोली और मिल जाता है एकदम इजी वाला चिकन डिनर। आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि आज की गेम प्ले कैसा रहा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस। आप लोग अगर चैनल में न्यू आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस। बाय गाइस।